चला है कि अरविंद केजरीवाल को चौथा समन्स इश्यू हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो सरगना है, मास्टरमाइंड है शराब घोटाले के, जो पिछले तीन समन्स पर ना जा रहे हैं, ना कोऑपरेट कर रहे हैं और ना बता रहे हैं कि उनकी भूमिका क्या रही है शराब घोटाले में। इसका मतलब साफ है कि पहले समन पर कहा कि स्टार प्रचारक के रूप में मैं बिजी हूं, वहां पर आम आदमी पार्टी को 204 सीट पर डिपॉजिट जब्त हो गई। फिर उसके बाद कहा कि मैं विपासना में बिजी हूं और फिर कहने लगे कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। यदि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है तो आपकी साथी कांग्रेस क्यों कहती है शराब घोटाला हुआ और केजरीवाल भ्रष्ट है? यदि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है तो 10-10, 11-11 महीने से मनीष सिसोदिया को राहत क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही? सुप्रीम कोर्ट खारिज कर रही है और कह रही है कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है। संजय सिंह को बेल नहीं मिल रही है, हाईकोर्ट बेल कैंसिल कर रहा है। विजय नायक को एक साल से बेल नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि शराब घोटाले में जिनकी भूमिका है उनके लिए अब एजेंसी से कॉपरेट कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चोर की मूंछ में तिनका है तो वो भगौड़े बन के घूम रहे हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने अन्ना की उंगली पकड़ते हुए कहा था कि पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी। आज जांच में सहयोग नहीं दे रहे क्योंकि लालू प्रसाद यादव और पौन मुड़ी जैसे लोगों के साथ गठबंधन है इनका, जो कन्विक्टेड करप्ट है। सवाल यह बनता है कि शराब घोटाले पर जो महत्वपूर्ण सवाल है कि 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुई, होलसेल प्राइवेट सेक्टर को कैसे दिया, मैन्युफैक्चरिंग और ब्लैकलिस्टिंग कंपनीज को क्यों आने दिया, हजारों करोड़ों का मुनाफा क्यों शराब घोटालेबाजों को दिया, उस पर एक भी जवाब नहीं आ रहा है अरविंद केजरीवाल की ओर से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।